my dad's making it hurt. Hello everyone, कैसे आप लोग? I hope आप लोग सब ठीक होंगे, safe होंगे. So आप लोगों को चेंज लग रहा होगा ना मुझे यहाँ पे देख के, तो अब मुझे यहाँ देखने की आदत डाल लो, बिकॉज आई एम योर न्यू केमिस्ट्री एजुकेटर. वी आर गोइंग टू स्टडी केमिस्ट्री टुगेदर दिस होल ईयर फॉर बोथ जेई एंड नीट. सो आई एम न्यू मेंबर ऑफ योर पर्ले फैमिली. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. आई एम पार्थ. आई एम फर्स्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट NIT राउरकेला, और मेरे मेंस में केमिस्ट्री में परसेंटाइल थे 99.8. सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. जो हमारा parle.in का इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो कर लो. हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो. एक बार हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लेना parle.in की. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसे भी ले लो, क्योंकि सफर जेई का हो या नीट का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्रैक्टिस. आप लोग जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही बेटर होते जाएगा. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी. बिलीव मी गाइज, दिस चैप्टर इज बेस ऑफ कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से आ जाता है ना, तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इवन मेनी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाते हैं. और ये चैप्टर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. अगर आप लोग ध्यान दोगे और जिस वे में हम चल रहे हैं उसे फॉलो करते रहोगे, देन ट्रस्ट मी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा होने वाला है. सो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल की इमेज डाली है. आई होप आप लोग सब इससे फेमिलियर होंगे. और ये इमेज मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल कि ये इमेज आप लोग जहाँ पढ़ रहे हो उस टेबल के सामने पेस्ट करो, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम, अभी तो आपका ये सफर स्टार्ट ही हुआ है केमिस्ट्री का, सो आप इस 2 साल में बहुत सारे एलिमेंट्स को देखने वाले हो जिनके आपको शायद तक नाम भी नहीं पता होंगे. लेकिन अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगा तो जब भी कोई नया एलिमेंट आपके सामने आएगा तो यू शुड गो एंड सी वेयर दैट एलिमेंट इज. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेरियम, सो नाउ बेरियम इज हियर. आप उसको मार्क करो और फिर आप देखोगे कि बेरियम कैल्शियम वाली फैमिली में है, सो फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर लगने लग जाएगी. सपोज मैंने बोला सिल्वर, सो यू विल सर्च सिल्वर, यू विल मार्क इट, सो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा कॉपर सिल्वर गोल्ड इनकी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है. सो दिस इज द वे अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल होगा, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू. मैंने भी मेरे केस में ये फॉलो किया था, तो आई एम सजेस्टिंग आप लोग को भी ये सब फॉलो करना चाहिए. ठीक है, सो नाउ केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट कि इसमें क्या होता है, अपने को बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं और फिर उनकी एप्लीकेशन देखनी होती है. अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है. तो सबसे पहले तो जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम देख लेते हैं इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है. सो लाइक जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा था फ्रॉम 18th century, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे. अब इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे तो फिर उनकी सबकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग वे में पढ़ना, इट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. तो फिर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम लोग धीरे धीरे एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं, जिनकी जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको ग्रुप करना स्टार्ट करते हैं. सो वे हैव डोबेराइनर, ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप करना स्टार्ट किया. ही अरेंज द 3 elements इन अ ट्रायड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास एंड शोड दैट द एटोमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटोमिक मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स. समझ में आया? नहीं आया तो बता देता हूँ. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. जैसे आप लोग को सबको पता होगा अबाउट लीथियम, लीथियम का एटोमिक मास है 7. लीथियम के बाद हम लेते हैं सोडियम एंड देन पोटेशियम. ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39. सो डोबेराइनर ने क्या बोला, डोबेराइनर ने बोला कि हमको 3 elements लेना है. ठीक है, जैसे हमने इस बार हमने 3 elements लिए हैं, लीथियम सोडियम और पोटेशियम. तो उनका ये बोला था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, अगर हम उसके एटॉमिक मास का मीन निकालें, मतलब उनका एवरेज निकालें, तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका मास आ जाता है. तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, लिथियम का मास है 7 और पोटेशियम का मास है 39. तो जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, सो दिस विल बी 46/2 एंड दैट इज इक्वल टू 23. और अगर आप चेक करेंगे तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो भी 23 है. सो हियर ये था डोबेराइनर का कंसेप्ट कि आप 3 elements को लो, जो स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट है उन दोनों का जो मास है उसका एवरेज आपको बीच वाले का मास दे देगा. ठीक है, सो दिस वॉज फर्स्ट ट्रायड, लिथियम सोडियम पोटेशियम.
फिर जो सेकेंड ट्रायड था वो था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। जैसा आप इसमें भी देख सकते हैं, क्लोरीन का मास है 35.5, आयोडीन का मास है 127। जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आता है 81.25, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ ब्रोमीन, दैट इज 80। ठीक है, फिर जो हमारा थर्ड ट्रायड है दैट इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। अब आई गेस ये स्ट्रॉन्शियम और बेरियम आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। सो जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम ऐसे एलिमेंट्स के नाम पढ़ते हैं ना, तो यू जस्ट स्पॉटेड ऑन द पीरियोडिक टेबल। जब आप लोग देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो ऑटोमेटिकली आपको जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो याद होने लग जाएंगे। ये दो साल में अपने को कोई पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना होता है, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनकी लोकेशन अपने को याद होना चाहिए, और वो ऐसे ही याद हो जाएगी, डोंट वरी। तो फिर इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो कैल्शियम है और बेरियम है, उन दोनों के जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो हमको स्ट्रॉन्शियम का एक अप्रोक्सीमेट मास बताता है। सो एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो उससे आता है 88.5, और जो एक्चुअल मास है स्ट्रॉन्शियम का दैट इज 88। सो हमने क्या देखा कि लिथियम और पोटेशियम के केस में वो सोडियम का एग्जैक्ट मास दे रहा था, ठीक है। उसके बाद में कैल्शियम और बेरियम के केस में स्ट्रॉन्शियम का थोड़ा सा डेविएशन आ रहा था मास से, बट इट वॉज अप्रोप्रिएट। लेकिन जब बात ब्रोमीन की आती है तो थोड़ा सा डेविएशन होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 81.25। तो जैसे जैसे मास बढ़ते जा रहा था, डोबेराइनर का जो ट्रायड वाला सिस्टम था वो फेल हो रहा था, ठीक है। बट डोबेराइनर वॉज फर्स्ट टू क्लासीफाई, उन्होंने क्लासीफाई करना स्टार्ट किया था एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। सो दिस वॉज फर्स्ट। नाउ द सेकेंड वॉज न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड ने क्या किया, जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना सा रे ग म प ध नी, तो वैसे ही उनकी लैंग्वेज में जो म्यूजिकल नोट्स थे वो थे डो रे मी फा सो ला ती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो एटम्स का इंक्रीजिंग मास है उसके बेसिस पे उन्होंने एटम्स जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना स्टार्ट किया, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो उनका ऐसा बोलना था कि एवरी 8th एलिमेंट, मतलब कि जैसे हाइड्रोजन है उसके बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा है दैट इज फ्लोरीन, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। इसके बेसिस पे उन्होंने एक टेबल बनाना स्टार्ट किया था। सो अगर क्वेश्चन आता है ना हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास पे क्लासिफाई करना सबसे पहले न्यूलैंड ने स्टार्ट कर दिया था। वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे नोबल गैसेस इंट्रोड्यूस हुई नहीं थी, और ये जो क्लासिफिकेशन था इट वाज वेल अप टू कैल्शियम, मतलब एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का है, तब तक ये ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे फिर मास बढ़ते गया, जो न्यूलैंड का ये क्लासिफिकेशन था वो फेल होते गया। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लेकिन उसके बाद निकल और कोबाल्ट दे आर वे डिफरेंट। क्लोरीन और फ्लोरीन नॉन मेटल्स है और निकल और कोबाल्ट मेटल्स है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे मास इंक्रीज होते गया जो न्यूलैंड है उसका क्लासिफिकेशन फेल होते गया। बट इट वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो यस, मेंडेलीव वॉज वेरी इंटेलिजेंट वन। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसने क्लासिफिकेशन किया था ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, मतलब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का एक लॉ भी था। It states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. मतलब जो भी element की properties होगी वो उसके atomic mass के basis पर decide की जाएगी, ठीक है। So क्या किया था Mendeleev ने, he arranged the elements in the increasing order of their atomic masses, keeping the elements of similar properties in the same vertical column, leaving out blank spaces wherever necessary. ठीक है, तो मेंडेलीव ने क्या किया, मेंडेलीव ने जो भी एलिमेंट्स उसके टाइम तक डिस्कवर हुए थे उनको एक इंक्रीजिंग मास में, इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में जमा दिया। जैसे कि दिस इज द टेबल ऑफ मेड बाय मेंडेलीव। तो मेंडेलीव ने क्या किया था, ऐसे टोटल 8 कॉलम्स में जो इंक्रीजिंग मास है उसके बेसिस पे बना दिया था टेबल, ठीक है। सो मेंडेलीव ने द मतलब मेंडेलीव के टेबल को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, द रीजन इज देर आर मेनी मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव टेबल। मेंडेलीव ने क्या किया था, मेंडेलीव के टाइम बहुत से एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे, पर तो भी मेंडेलीव ने वहां पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी थी। मतलब मेंडेलीव को पता था कि आगे जाके कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है जिसकी प्रॉपर्टी पिछले वाले एलिमेंट से सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, मेंडेलीव ने स्कैंडियम जो एलिमेंट था उसके टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसका नाम दिया था एका बोरॉन। मेंडेलीव को पता था कि एक एलिमेंट स्कैंडियम नाम का आगे जाके डिस्कवर होने वाला है जिसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन से बहुत सिमिलर है।
उसने वैसे ही और तीन एलिमेंट्स दिए थे जिसको मतलब जो बाद में गैलियम जर्मेनियम और टेक्निटियम के फॉर्म में हमने डिस्कवर किए थे, लेकिन मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाते टाइम ही ऐसा गेस कर लिया था कि आगे जाके ऐसे एलिमेंट आने वाले। सो मेंडेलिव की फर्स्ट मेरिट तो यही है कि मेंडेलिव वॉज फर्स्ट टू प्रॉपरली अरेंज द एंड क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स एंड वॉज एबल टू एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स को इंक्लूड किया था उसने, और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि कोई एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल मिल रहा था। और बहुत जो पीरियोडिसिटी होती है ना, मतलब एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी, वो हमको मिल रही थी यहाँ पे। और जो सेकेंड मेरिट है कि मतलब उस टाइम जो एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं हुए थे उसके बारे में भी मेंडेलिव ने बता दिया था। सो हम मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो स्कैंडियम है वो डिस्कवर नहीं हुआ था, स्कैंडियम उस टाइम पे नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, ये एका बोरोन का, एका बोरोन नाम से बताया था, और इसके लिए स्पेस छोड़ दी थी ताकि आगे जाके जब भी स्कैंडियम डिस्कवर हो तो यहाँ पे अपन उसको रख सके। ठीक है, अब मेंडेलिव का जो पीरियोडिक टेबल है वो काफी हद तक सही भी था। जैसा कि हम फर्स्ट वाले टेबल में देखते हैं कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें से हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, ये सब एकदम लाइन में जो एलिमेंट्स हैं इन लोगों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उसने उस टाइम पे इन सबको सेम क्लब किया था। और एक और मेंडेलिव की एडवांटेज बहुत अच्छी थी कि मेंडेलिव ने क्या किया था, मेंडेलिव के टाइम पे भी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन मेंडेलिव का जो पीरियोडिक टेबल है वो इतना सिस्टमैटिक था कि अगर नोबल गैसेस डिस्कवर भी हो तो उसके इसमें एक अलग से कॉलम बना के नोबल गैसेस को रखा जा सकता है। और क्वेश्चन आता है कि मेंडेलिव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो किसके बेसिस पे बनाया, तो द आंसर इज मेंडेलिव ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स देखे थे एलिमेंट के, इनके बेसिस पे उसने डिसाइड किया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, एंड ही टुक एटॉमिक मास एज डिसाइडिंग फैक्टर। फिर उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। मतलब उस टाइम पे मेंडेलिव ने व्हाइल मेकिंग दिस पीरियोडिक टेबल तभी उनको पता था कि आगे जाके भी ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं, और उन्होंने जो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की हेल्प से पूरा पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था जो काफी हद तक सही था। सो दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट टाइम। लेकिन आफ्टर दिस पीरियोडिक टेबल उसके मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल की कुछ डीमेरिट्स भी थे। सो फर्स्ट डीमेरिट वॉज पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट जस्टिफाइड। मतलब दैट दिस इज डिबेटेबल पॉइंट, बिकॉज हाइड्रोजन ऐसा है कि हाइड्रोजन के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनके पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सो दे मेक पॉजिटिव आयन। वाइल जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो लोग क्या माइनस वन का चार्ज बनाते हैं, राइट? सो हाइड्रोजन की पोजीशन डिबेटेबल इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रोजन है हम उसको अल्कली मेटल्स के साथ भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनके साथ भी प्लेस कर सकते हैं। सो इसके लिए हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो जस्टिफाइड नहीं थी। मतलब हाइड्रोजन को उन्होंने बाहर रखा उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे इधर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी आ सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज फर्स्ट डीमेरिट, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड डीमेरिट वॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द टेबल। मतलब कि जैसे टेबल में अर्गोन है उसका मास है 39.93, और जो पोटेशियम है पोटेशियम का मास है 39.08। मतलब पोटेशियम का जो मास है वो अर्गोन से कम है, बट तो भी पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम को आगे रखा गया है एज कम्पेयर टू अर्गोन। मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से पहले पोटेशियम आना चाहिए फिर अर्गोन आना चाहिए, लेकिन मेंडेलिव ने इसका अपोजिट किया था। द रीजन बीइंग कि मेंडेलिव को पता था कि जो पोटेशियम है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम वाले ग्रुप से सिमिलर है, तो उसने पोटेशियम को वहां प्लेस किया, लेकिन यहाँ पे जो एटॉमिक मास वाली जो उसने स्टार्टिंग की थी, जिस वेव में उसने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, वो यहाँ पे उसका क्रॉस हो गया। मतलब यहाँ पे वो उसको सेटिस्फाई नहीं करवा पाया। वही एग्जाम्पल हमने देखा था टेलोरियम और आयोडीन में, टेलोरियम का मास आयोडीन से ज्यादा है, बट तो भी टेलोरियम को अपन ने पीछे रखा है आयोडीन से, बिकॉज वही टेलोरियम की प्रॉपर्टीज सल्फर वाले ग्रुप से थोड़ी सिमिलर हो रही थी और आयोडीन की प्रॉपर्टीज जो क्लोरीन वाला ग्रुप है उससे सिमिलर हो रही थी, ठीक है। सो दिस वॉज डीमेरिट कि जो उसने फर्स्ट बेसिक कॉज दिया है कि एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो यही वाली बेसिक यूनिट थी वही अपन जो बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई नहीं हो पाई, ठीक है। सो दिस वॉज सेकेंड डीमेरिट। थर्ड डीमेरिट इज देर इज नो प्लेसेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफर कर जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप के एग्जाम्पल के लिए वी कैन टेक क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास वी नो दैट इज 17।
एटॉमिक नंबर दैट इज 17, बट क्लोरीन के एटॉमिक मास देयर आर टू एटॉमिक मासेस. क्लोरीन के 35 भी होता है एंड 37 भी होता है. दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्लोरीन हैव. ओके, लाइक अगर हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो फिर आइसोटोप्स आएंगे. अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं सो विल जस्ट हैव अ एलिमेंट क्लोरीन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 है. लेकिन ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स क्लोरीन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज क्लोरीन 35 एंड 37. सो अगर हम लोग एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो हमको आइसोटोप्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बट मेंडेलीव ने वो इंक्लूड नहीं किया था. सो दिस वॉज डीमेरिट. एंड द फोर्थ वॉज few elements with different properties were kept in the same group like potassium and copper. मतलब कि जो हमने यहाँ पे देखा इस टेबल में जो हमारा फोर्थ वाला पीरियड है और फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा कि पोटेशियम और कॉपर को साथ में रखा हुआ है. सो लाइक पोटेशियम और कॉपर में सिर्फ एक सिमिलैरिटी बोल सकते हैं अपन कि उनका जो वैलेंस मतलब वो लोग प्लस वन आयन्स बनाते हैं. बाकी उसके अलावा देर आर मेजर डिफरेंस. लाइक पोटेशियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो कॉपर है कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम हो जाती है. तो उनके बीच में सिमिलैरिटीज बहुत कम है, बट तो भी मेंडेलीव ने उनको सेम एक ग्रुप में रख दिया था. सो दैट वॉज रॉन्ग. सो इसके लिए दिस इज कंसिडर्ड एज डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. बट ओवरऑल देखा जाए तो एट दैट टाइम भी मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाने का ट्राई किया था, ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने पीरियोडिक टेबल को बनाने का ट्राई किया और एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उसने अरेंज किया सारे एलिमेंट को. उसने सारे एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज समझी एंड देन ही स्टार्टेड प्लेसिंग. और जो पीरियोडिक टेबल उसने इतना अच्छा बनाया था कि बाद में अगर नोबल गैसेस भी डिस्कवर हो सो उनको हम आराम से इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर सके. एंड ऑल्सो ही लेफ्ट द स्पेसेस, जैसे उसने एका बोरॉन से स्कैंडियम की जगह छोड़ी थी, एका एल्युमिनियम से गैलियम की जगह छोड़ी थी. सो दिस वॉज उसके टाइम के हिसाब से देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. बट वेन वी मूव्ड अहेड हमने डीमेरिट्स भी देखे. हमने ये देखा कि उस मतलब आइसोटोप्स को कोई प्लेस नहीं मिली है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जैसे अगर हम एटॉमिक मास देखें सो क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म इन इफ वी टेक केस ऑफ एटॉमिक मास. मतलब क्लोरीन 35 इज डिफरेंट, क्लोरीन 37 इज डिफरेंट. तो फिर एटॉमिक सो आइसोटोप्स को अलग से स्पेस देनी चाहिए थी, लेकिन मेंडेलीव ने वो नहीं दी थी. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज द हाइड्रोजन पोजिशन. तो हाइड्रोजन की पोजिशन तो डिबेटेबल है बिकॉज हाइड्रोजन कैन ऑल्सो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हमारे फर्स्ट ग्रुप में भी आ सकता है इधर, और या फिर जो हमारा ये वाला ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन वाला हाइड्रोजन इधर भी आ सकता है. ठीक है, लेकिन पोजिशन कोई प्रॉपर रीजन नहीं था कि हाइड्रोजन को यहीं पर क्यों रखा. ठीक है, अदर थिंग इज लाइक जो अर्गॉन है, फॉर एग्जाम्पल जो अर्गॉन है उसका मास जो है वो पोटेशियम से ज़्यादा है, पर तो भी पोटेशियम को आगे रखा. ठीक है, और यही है जो मेजर डीमेरिट्स है इनके मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के. एंड द वन इज द एलिमेंट्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी वर कैप्ट इन द सेम ग्रुप, जो कि हमने देखा अभी पोटेशियम और कॉपर के बीच में. ओके, सो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस बनते हैं. मेंडेलीव का जो पीरियोडिक लॉ है दैट इज ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. सो ये मेंडेलीव ने दिया था. उसके बाद में फिर आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम मोज़लेस पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं. दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोज़ले. जो हम पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ रहे हैं सो वो हमारे हेनरी मोज़ले की देन है. सो मतलब हेनरी मोज़ले ने क्या किया हिज एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. सो इन हिज एक्सपेरिमेंट मोज़ले बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट एलिमेंट सरफेसेस एंड ऑब्टेंड एक्सरेज टू ऑब्जर्व एक्सरेज. ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग. मोज़ले ने क्या किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स लिए थे और उसने डिफरेंट मेटल सरफेस पे उनको बम्बार्ड किया था, सो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई थी. तो उसने एक सिमिलैरिटी देखी थी, जो एक्सरे निकली थी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी का अगर अपन स्क्वायर रूट ले और उसका ग्राफ प्लॉट करें एटॉमिक नंबर के साथ, सो देर वॉज अ लीनियर रिलेशन. लाइक हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पे जेड के साथ, जेड इज एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई है वो जिस फ्रीक्वेंसी से हुई है, अगर हम उसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, सो ही ऑब्जर्व्ड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, और जब ये एक्सपेरिमेंट अगर हम एटॉमिक मास के बेसिस पे देखेंगे, जो हमारा प्लॉट है अगर हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास और यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे,
सो उसमें वेरिएशंस थे, लाइक इफ द ग्राफ स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सो उसमें कभी डाउन आ रहा था, इट वेंट अप, वो ऐसे आ रहा था एंड इट वेंट लाइक दिस. सो मतलब कि जो यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर अगर हम लेंगे, सो हमको एक लिनियरिटी मिली है जो कि हमको एटॉमिक मास में नहीं मिली थी. सो एटॉमिक नंबर को एक ज़्यादा बेसिक यूनिट कंसिडर किया था पीरियोडिक टेबल बनाने में, ठीक है. सो लाइक हेनरी मोज़ली ने एटॉमिक नंबर को प्रेफर किया पीरियोडिक टेबल बनाने में. सो लाइक अब हमारे पास नया पीरियोडिक टेबल आया, तो हमको देखना है कि जो पुराना पीरियोडिक टेबल था मेंडेलिव का, उसके जो भी प्रॉब्लम्स थे, क्या नए पीरियोडिक टेबल ने उसको रेक्टिफाई करे. सो लेट्स चेक. सो जो हमारा नया पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम वॉज ऑफ हाइड्रोजन. सो हमने हाइड्रोजन को एक पोजिशन यहाँ पे दी है. द रीजन बींग हमारा जो नया पीरियोडिक टेबल है उसमें ब्लॉक्स अलग अलग है, लाइक एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है. हम ब्लॉक्स के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस जस्ट एन एग्जांपल है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन है, वो हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाइड है क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में प्लेस किया है. सो यहाँ पे जो पुरानी प्रॉब्लम थी, जो कन्फ्यूजन था कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखना है, वो यहाँ पे रेक्टिफाई हो गई, ठीक है. द सेकेंड थिंग इज, हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया. जैसे हमारा मेंडेलिव का पीरियोडिक लॉ था ना ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, वैसे ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक जो लॉ है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट. तो अगर हम एटॉमिक नंबर लेंगे, सो देर इज नो रोल फॉर आइसोटोप्स. लाइक हमारे पास अगर क्लोरीन है, सो देर इज वन क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17. जो यहाँ पे आइसोटोप्स वाला जो प्रॉब्लम था वो भी क्लियर हो जाता है. और हमने जैसे कि देखा था, लाइक मेंडेलिव को पता था कि पोटेशियम है, उसका भले से ही मास कम हो, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो सोडियम वाले ग्रुप से मैच कर रही है. तो ये जो नया पीरियोडिक टेबल है, वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम थी कि कुछ कुछ एलिमेंट्स के मास कम थे, पर तो भी हमने उसको आगे प्लेस किया, तो यहाँ पे आराम से रेक्टिफाई हो रही है, ठीक है. और जो जैसा कि हमने देखा था कि एक ही ग्रुप में दो डिससिमिलर एटम्स को रखा है, जैसे पोटेशियम और अपन कॉपर बोले, तो यहाँ पे वो प्रॉपरली जिसकी प्रॉपर्टी जिससे बेस्ट मैच हो रही है उसके साथ ही रखा गया है. सो लाइक अपना जो नया वाला पीरियोडिक टेबल है, दैट इज सफिशियंट कि वो जो दूसरे पुराना वाला पीरियोडिक टेबल, उसमें जो भी फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई कर सके. और टिल डेट जितने भी एलिमेंट्स वगैरह है हमारे पीरियोडिक टेबल में, इट्स एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद द अवर दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं. पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स. फर्स्ट इज एस ब्लॉक, सेकंड इज पी ब्लॉक, थर्ड इज डी ब्लॉक एंड फोर्थ इज एफ ब्लॉक, ठीक है. तो अब एलिमेंट्स किस ब्लॉक में प्लेस किए गए हैं, उसको हमने डिफाइन किया है कि जो एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में गया, राइट. जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं. तो जब भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल में जाता है, तो उस एलिमेंट को हम एस ब्लॉक में मतलब पुट करते हैं पीरियोडिक टेबल में. सो अभी तो सिर्फ लोकेशन देख लो, जब हम एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से. सो दिस इज एस ब्लॉक, ये हमारे जो दो ग्रुप्स, हाँ. सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं. तो सबसे पहले जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, हम उसको ग्रुप बोलते हैं. लाइक दिस, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सब फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं. सो इफ यू काउंट, सो देर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन अवर पीरियोडिक टेबल, ठीक है. एंड व्हेन वी गो फॉर द पीरियड्स, पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस. लाइक हमारा अगर हम सेकेंड पीरियड देखें, तो सेकेंड पीरियड में वी हैव लिथियम, बेरिलियम एंड दिस कंटिन्यूज हियर ऑल्सो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हमारा सेकेंड पीरियड हो गया, ओके. दिस इज अवर सेकेंड पीरियड. सो लाइक हमारे टोटल पीरियोडिक टेबल में वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ठीक है. और अब एलिमेंट के नंबर के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, द फर्स्ट पीरियड इज वेरी शॉर्ट पीरियड. जो हमारा फर्स्ट पीरियड है दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स ही है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. जो हमारा सेकेंड वाला और थर्ड वाला पीरियड है, हम उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स, क्योंकि इसमें भी ज्यादा एलिमेंट नहीं है. इफ यू काउंट, सो देयर आर ओनली 8 एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ दिस. फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ वाला पीरियड है, हम इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि इसमें ज्यादा एलिमेंट है.
जो सिक्स वाला पीरियड है हम उसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, बिकॉज इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, मतलब ये ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जितने भी दूसरे ग्रुप से उसके कंपेरिजन में, ओके ये मत सोचना कि मैक्सिमम इसी ग्रुप में, ऐसा नहीं है। उसके बाद में द लास्ट वन दैट इज सेवेंथ पीरियड, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड, बिकॉज उस पीरियड में जो एलिमेंट्स है वो बाद में डिस्कवर होते हैं, लाइक बहुत से रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं तो उसमें जब केमिकल रिएक्शंस, उनके जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं तो उसके बाद कुछ एलिमेंट बनते हैं, लाइक हम एग्जाम्पल लें यूरेनियम है तो उसमें न्यूक्लियस में कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो वो दो पार्ट मतलब स्प्लिट होता है ना, तो एक नए एलिमेंट का भी बर्थ हो जाता है, सो वो हम इसमें बाद में ऐड करते हैं, ओके सो दिस इज लाइक कि हमने कुछ एलिमेंट को बाद में रखा तो फिर हम उसको बाद में डालते हैं पीरियोडिक टेबल में, और कुछ एलिमेंट लैब में भी प्रिपेयर करे गए। और आप लोग अभी देख रहे होंगे जो नीचे है, दिस इज लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है, सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये तो पीरियोडिक टेबल के बाहर है तो इनको अंदर जगह क्यों नहीं दी, सो इट्स लाइक कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लेंथेनम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और लेंथेनम के बाद में सब स्टार्ट होता है, सो दिस नेम्ड एज लेंथेनाइट सीरीज, और ये एक्टिनियम के बाद में आते हैं, सो दिस कॉल्ड एक्टिनाइट सीरीज। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे होती है आपके लेंथेनम की पोजीशन, और यहाँ पे होती है आपके एक्टिनियम की पोजीशन, और इसके बाद से फिर यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर 70 यहाँ पे है, उसके बाद से हमारी एटॉमिक नंबर 51 से लेके जो 71 है वो टोटल हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज में, और जो एटॉमिक नंबर 89 से 103 है हमने उसको यहाँ पे डाला है एक्टिनाइट सीरीज में, ठीक है। सो जो इसका ग्रुप नंबर है, अब जैसे आप देखेंगे तो जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में हाँ चलो हम देख लेते हैं, एस ब्लॉक में बेसिकली अपना ग्रुप 1 आता है, ग्रुप 2 आता है एंड हीलियम आता है। सो हीलियम पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ एस ब्लॉक, लेकिन वो दिखता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आ जाता है ग्रुप वाइज चले, सो दिस इज अवर डी ब्लॉक, मतलब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक वी हैव डी ब्लॉक, ओके। उसके बाद में जो हमारा ग्रुप 3 से 12 अपना डी ब्लॉक हो गया, उसके बाद 13 से लेके 18 तक एक्सेप्ट हीलियम ये अपना पी ब्लॉक होता है, ठीक है। और ग्रुप 3 में ही ये दो पार्ट है, मतलब लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज को हम ग्रुप 3 में डालते हैं, ओके। सो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल। सो अब पीरियोडिक टेबल की कुछ हम इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज लाइक कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं हमारे कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ऐसे करते करते क्लोरीन एंड अर्गॉन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हम लोग उसको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, बिकॉज ये एलिमेंट्स इनके पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट वी कैन से रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं लीथियम, लीथियम के नीचे रहता है सोडियम, ओके। उसके बाद लीथियम के पास में बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे रहता है मैग्नीशियम, उसके बाद में रहता है इधर एल्यूमिनियम, इधर रहता है बोरॉन, यहाँ रहता है सिलिकॉन। सो लाइक लीथियम सोडियम के पीरियड में है, लेकिन लीथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से भी सिमिलर होती है, वैसे ही बेरियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम से सिमिलर होती है, और बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन से सिमिलर रहती है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, तो इसका रीज़न है कि इन एलिमेंट्स का लाइक लीथियम और मैग्नीशियम का चार्ज बाय साइज रेशियो जो है वो सेम है, चार्ज बाय साइज रेशियो सेम है। सो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लीथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से सेम नहीं होगी, लीथियम इज प्लेस्ड इन सोडियम, मतलब सोडियम के ग्रुप में है तो ऑब्वियसली सोडियम से प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होगी, लेकिन दिस इज लाइक कि मैग्नीशियम उसके ग्रुप में नहीं है पर तो भी लीथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से सिमिलर है, सो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थर्ड थिंग, दैट इज लीथियम, बेरिलियम और बोरॉन, हम लोग इनको ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के, लीथियम, बेरिलियम और बोरॉन ब्रिज एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हमारे पीरियोडिक टेबल के, और अब हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की। सो मतलब वी आर गोइंग टू, हम इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हम इन दोनों लेक्चर्स में हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई एम टेकिंग टुडे, और मतलब दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज वैलेंसी। मैं इसको आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग, ये प्रॉपर्टी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अपन देखेंगे कि 11th क्लास में आने के बाद वेरिएशन क्या है वैलेंसी।
सो लाइक वैलेंसी हम लोग सब देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डेफिनेशन क्या है तो आप लोग इजीली बोल पाएंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये सब कुछ याद रहती है, लेकिन हम देखने वाले हैं कि हम वैलेंसी को, मतलब हम आज वैलेंसी को समझने वाले हैं कि बेसिकली वैलेंसी होती क्या है। ओके, सो लाइक थोड़ा बोर्ड लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन जस्ट बेयर मी, हम लोग चलो अब आपके वही टेंथ वाले नाइन्थ वाले तरीके में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम का एटम है, सो सोडियम के एटम में क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, एंड दिस इज थर्ड ऑर्बिट। सो हमने जैसा पहले पढ़ा है बचपन में उसके अकॉर्डिंग, सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकेंड शेल में, और लास्ट वाले शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल। ओके, सो क्लोरीन के भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड वाले में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जो लास्ट वाला है उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। सो हमको क्या सिखाते हैं कि जो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब सोडियम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है, मतलब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है। और क्या होता है, हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा होता है कि जो अगर लास्ट ऑर्बिट, लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर जो आपका एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, हम सोचते हैं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ऑर्बिट में चले जाएगा, सो फिर सोडियम के भी लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और क्लोरीन के भी लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, तो इस वे में सोडियम भी खुश और क्लोरीन भी खुश, ये रहता है ना ऑक्टेट रूल। बाकी एक्चुअली दिस इज नॉट दैट ईजी, हमको बचपन में समझाने के लिए सब बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1, मतलब सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, और यहाँ पे क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने भी फिर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 हो जाएगी, और फिर हम लोग ऐसे लिख देते थे कि हाँ Na ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, सो दिस इज फाइनली NaCl, ठीक है। लेकिन अगर हम देखा जाए ना, सो नाउ अब अपन 11th क्लास में, तो अपने को बेसिकली वैलेंसी का मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। सो वैलेंसी इज लाइक कि अगर हम देखें तो वैलेंसी हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के हिसाब से अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ हाइड्रोजन के हिसाब से वैलेंसी, अगर हाइड्रोजन लिथियम के साथ बॉन्ड बनाएगा सो दैट विल बी LiH, अगर वो बेरिलियम के साथ बनाएगा सो इट विल बी BeH2, बोरॉन के साथ बनाएगा तो BH3, कार्बन के साथ बनाएगा तो CH4, फिर अगेन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो CH3 तो पता ही होगा आप लोग को, दैट इज अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो H2O, फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो HF, और उसके आगे आता है नियॉन, लेकिन नियॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा बिकॉज इट्स नोबल गैस। ओके, सो अब यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 1, इस केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 2, इस केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी 3, फिर 4, बट अगेन 3, 2, 1, ठीक है। सो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पे आ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे सोडियम की वैलेंसी सबको सिखा देते थे कि हाँ सोडियम की वैलेंसी लर्न कर लो 1 रहेगी ऐसा करके, लेकिन अब वैलेंसी वाला कंसेप्ट नहीं है। नाउ योर ग्रोन अप चाइल्ड, आपको समझना पड़ेगा कि अब वैलेंसी नहीं, अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, हमको देखना रहता है कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है इट्स लाइक कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन अब वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एटम के लिए, तो वो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे। सो नाउ हियर हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ वैलेंसीज क्या होगी, मतलब जैसे अभी तक हमने हाइड्रोजन के साथ वैलेंसीज देखी, अब हमको ऑक्सीजन के साथ वैलेंसीज देखनी है सारे एलिमेंट्स की। सो हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हमारे थर्ड वाले पीरियड का सोडियम के साथ, तो अगर सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा सो सोडियम विल मेक Na2O,
उसके बाद में सोडियम का आता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विल मेक MgO। उसके बाद एल्यूमिनियम, सो Al2O3। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे क्या आता है, सिलिकॉन, सो सिलिकॉन विल मेक SiO2। ठीक है, सिलिकॉन के बाद में आता है फॉस्फोरस। उसके बाद यहाँ पे SO3 एंड लास्ट में हमारे पास क्लोरीन रहेगा, दैट विल बी Cl2O7। ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पर एलिमेंट की जो हमारी वो है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो देखें, सो लाइक यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की स्टेट हो जाती है, यहाँ पे इट विल बी 1, देन हियर इट विल बी 2, हियर 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो जैसे हमने देखा हाइड्रोजन की वैलेंसीज कैसे पहले इंक्रीज हुई, देन वो डिक्रीज हुई, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी इंक्रीज ही हो रही थी। तो जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ 10th क्लास या जो लोअर स्टडीज है उसके लिए वैलिड है, लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। सो अपने को वो देखना है कि एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो कितने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या कितने गेन करते हैं, उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो लाइक अब यू शुड टेक केयर कि अब आप बड़े बच्चे हो गए तो आप लोग वैलेंसी नहीं ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस करेंगे। ओके, सो दिस इज लास्ट सेक्शन ऑफ आवर क्लास। सो टुडे मतलब हमने देखा कि कैसे जो साइंटिस्ट है उन्होंने धीरे धीरे मॉडल्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स को प्रपोज किया था, और कैसे कैसे धीरे धीरे सीखते सीखते गलतियां रेक्टिफाई करते करते फाइनली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आए। उसके बाद हमने इस हमारे पीरियोडिक टेबल के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, वो कौन सा, डायगोनल रिलेशनशिप वाला, उसके बाद में टिपिकल एलिमेंट्स वाला और ब्रिज एलिमेंट्स वाला। ठीक है, उसके बाद हमने आज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज वैलेंसी, जिसको अब हम वैलेंसी नहीं एज ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में बेटर तरीके से समझेंगे। ओके, सो वैलेंसी इज लाइक कि हाँ हम देख लेते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन वैलेंसी हर इलेक्ट्रॉन्स के हर 2 एटम्स के लिए वैरी कर सकती है। ओके, आपको जो भी लग रही है मेरी साइड से गलती हुई है तो आप मुझे बताओ ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं, एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड पढ़ते रहो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।